बोला था ना शाम को दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, पूरे दलाली करने वालों का वीडियो देख लिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह चोर है, कुछ लोग बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव चोर है, लेकिन सच्चाई आप जान जाओगे ना, आप समझ जाओगे कि आखिर मतलब कि क्या मैं बोलूं। इसलिए बोला था कि शाम का वीडियो मिस मत करना, तो आ गए हो तो पूरा वीडियो में बने रहो, ध्यान से वीडियो को देखना। नमस्कार, मेरा नाम दयाशंकर ओझा है, आप देख रहे हैं टेक टू भोजपुरी चैनल। सबसे पहले आरोप लगाया किसने? प्रियांशु सिंह ने और आशुतोष तिवारी ने। किसके ऊपर? खेसारी लाल के ऊपर, कि खेसारी लाल ने गाना कॉपी किया है। तो चलिए मैं प्रूफ दिखाता हूँ, पूरा वीडियो बने रहना, बिना देखे मत चले जाना, नहीं तो मजा नहीं आएगा, फिर समझो बात को। देखो ये 26 तारीख का पोस्ट है और मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, दिन भर फेसबुक यूट्यूब पूरा खंगाल के मेरे को सब कुछ मिल गया है, ठीक है, और वही दिखा रहा हूँ। यहाँ दलाली नहीं कर रहा हूँ कि पवन भैया खेसारी भैया, नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई वो दिखा रहा हूँ। तो 26 तारीख को प्रियांशु सिंह ने अपने फेसबुक पे पोस्ट ऑलरेडी कर दिया था, जिसमें कि पवन सिंह देख पा रहे हैं यही कुर्ता पहने हुए हैं, जो कुर्ता में शूटिंग हुआ है। और उसके बाद ये 26 तारीख का पोस्ट था, और खेसारी लाल जी ने 3 दिन पहले गाने का शूट किया है, तस्वीर वायरल होता है खेसारी जी के साथ पहले का, ठीक है, मतलब 2-3 दिन पहले का। तो इससे आपको साफ साफ पता चलता है कि पवन सिंह की टीम ने पहले गाना को रिकॉर्ड किया है, पहले गाने को शूट किया गया है, ये सच्चाई है। लेकिन रुको, जाओ मत, कहाँ जा रहे, रुक जाओ, अभी रियल वाला ब्लास्ट तो करने दो। देखिए आशुतोष तिवारी ने क्या किया, आशुतोष तिवारी ने खेसारी लाल का जो पुराने फिल्म जिला चंपारण का पंच लाइन उठा के पवन सिंह को पवन सिंह से गवा दिया ये गाने के रूप में। तो जब ये चीज टीम को पता चली और या टीम को टीम के पास खबर आई, तो टीम वाले भाई गुस्से में थे। तो सबसे पहला चोरी जो है उधर से हुआ है कि खेसारी लाल का जो मेन फिल्म का गाना है उसका पंच लाइन पे ही गाना बन गया। उसके बाद खेसारी जी के टीम ने जब ये गाना रिकम्पोज किया अपने अंदाज में, जिसको कि हम लोग कॉपी कह रहे हैं, तो अब आप बताइए कि कौन किसका कॉपी। तो अब क्लियर हो गया कि कौन कैसे चोरी हुआ। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बंद कीजिए, कोई यहाँ दूध का धोया हुआ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गई होगी कि आखिर गाना चोरी कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। तो कमेंट करके बताइए अभी भी आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है। तब तक के लिए यही बोलूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम।